देश का किसान ऐसी खेती करने में रुचि ले रहा है जिसमें मेहनत कम मुनाफा ज़्यादा हो। ऐसी ही फसलों में से एक है आम की फसल, जिसके पेड़ एक बार लगाने होते हैं और फिर सारी जिंदगी फलों से मुनाफा लिया जाता है। यह पेड़ 55 से 60 साल तक फल देता है। पेड़ों के बीच खाली जगह पर किसी और फसल की खेती कर दोगुना मुनाफा ले सकते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के बोसावर उपखंड में स्थित रामहंस सरकारी बाग आम की खेती के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है, जिसमें आम की खेती के साथ साथ किसानों को सस्ती दर पर पौधे भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से इस फसल को नुकसान भी हुआ है। अब यह फसल पकने के अंतिम चरण में है, कुछ दिनों बाद इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। इस फसल को थोक व्यापारी व अचार मुरब्बा कंपनी सीधे ही यहां से खरीदती हैं। इस बाग से प्रतिवर्ष सरकार को 30 लाख रुपए का मुनाफा होता है। नर्सरी मैनेजर राजस कल विभाग भुसावर, और हमारे बाग में अप्रोक्सीमेट 350 आम के पौधे हैं, जिसमें दशहरी है, लंगड़ा है, आम्रपाली है, फजली है, काला बॉम्बे है, रसेली है और करेला है, और कुछ अपने देसी जो डोमेस्टिक होते हैं रूट स्टॉक वाले कुछ देसी पौधे भी हैं। अच्छी पैदावार होती है और देसी लंगड़ा को प्रोसेस करके फ्रूट में कन्वर्टेड उसको आम बना के और तब उसको बेचा जाता है। और अपन यहाँ से देसी पौधे उगा के और उनमें कलम लगा के विनियर ग्राफ्टिंग करके अपन किसानों को भी उपलब्ध करवाते हैं।